क्या कर रहे हैं अभी आप? डाटा सेट बना रहे हैं WTR का। WTR का डाटा सेट। तो नेटवर्क सिस्टम है आपने ये जो बनाया है, ये ट्रेस करके बनाया आपने? हाँ सर। एवरीवन, नेटवर्क का किसी का भी कोई सेट पेंडिंग है क्या मेरे भाई? नहीं सर। वो तो अभी निकाल के दो मेरे को। नहीं नहीं सर, मार्केट में है सर, अब जब जाएंगे तो सब क्लियर। मार्केट में है, क्लियर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मार्केट में बहुत घूम रहा है, क्लियर हो जाएगा सारा ये सब। आप आता क्या आपको? सर पॉसिबल ही नहीं है, तो कहीं दुकान पे इतना सब जान जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद को उसको दुकानदार को नॉलेज नहीं होता, तो खुद मालूम नहीं है तो दूसरे को क्या बताएगा। हाँ, उसको कह सकते हैं कि एशिया टेलीकॉम जो है एक ज्ञान का दरिया है, जो भी यहाँ डूब आएगा वो डूब कर जाएगा तो ज्ञान ही प्राप्त करके जाएगा। भाई भाई मिला कि नहीं मिला? नेटवर्क हल्का हुआ कि नहीं हुआ? हल्का हुआ नेटवर्क, मतलब एक जो हवा बना हुआ था कि नेटवर्क नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता। अभी तुम्हारे सामने देख रहे 5 हैंडसेट तुमने ही बना दिए यहाँ पे, तो सारे सेट जो है मार्केट से घूमे हुए हैं, कई दुकानदारों से घूमे हुए सेट है। अच्छा, वो सब बन रहा है, यानी कि क्या लेवल का काम सिखा रहे हैं सर? तो क्या बोले सर, आज तो जैसे देवसान ने हमें खजाना ही पकड़ा दिया। खजाना पकड़ा दिया। अच्छा, खजाना बस इन्हीं को मिला कि आप लोगों को भी कुछ मिला? हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच, और ईमानदारी से टाइम हो रहा है अभी 8:30। कैसी रही क्लास आज की? साथ थी आपकी क्लास, काय की क्लास थी आपकी? नेटवर्क की क्लास थी। नेटवर्क में कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नहीं। बात करें SDM CPU की, कॉलकॉम की, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। बात करें MSM CPU की, कोई कंफ्यूजन नहीं। बात करें MTK CPU की, नहीं सर। स्प्रेक्टम की, नहीं सर। Xinex CPU की, नहीं सर। है ना, सभी चीज की डिटेल है ना हमारे पास? यस सर। वोल्टेज को ले, वोल्टेज की भी डिटेल है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की भी डिटेल है ना, और फॉल्ट फाइंडिंग का भी तरीका है हमारे पास। आज हमारी क्लास में लाइव मोबाइल कितने चालू करे बताइए, हाथ खड़े करके। ये लाइव चालू मोबाइल करे किसने करे, हमने करे कि आपने करे? सर मैंने खुद किया। आपने खुद किया? हाँ सर। कितनी देर की क्लास में किया आपने? सर वही सर, कितना आधा घंटा लगा सर। आधा घंटा लगा? हाँ सर। आधा घंटा लगने के बाद आपने क्या किया उसको? पूरा सेट को? हाँ सर, डायग्नोस आ गया आपने? हाँ सर, डायग्नोस किया सर। पहले सर मैं इसे रिपेयर कर रहा था, लेकिन सर गलती बहुत हो रही थी। आज सर जैसे सर ने जब पढ़ाया तो मालूम चल गया मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, उसको सर फिर से सर सॉल्व किया, सही हो गया सर। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये कितने दिन से फोन आपकी दुकान में पड़ा हुआ था? करीब 7-8 महीना होगा। 7-8 महीने से ये फोन पड़ा हुआ? हाँ, पड़ा हुआ। तो आज जो देव सर ने आपको क्लास दिया है, हाँ। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि इसमें कहाँ से दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया सर, फिर सर किया सर आ गया सर नेटवर्क। दिखाइए जरा नेटवर्क, दिखाइए। बहुत बढ़िया। नाम बताइए अपना। राजकुमार। राजकुमार कहाँ से भाई? राजस्थान। राजस्थान से। राजकुमार क्या किया अभी आपने? सर नेटवर्क की दिक्कत है इसमें नेटवर्क की दिक्कत है। आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, तो जो भी आपने सेक्शन पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल क्लास होती है कि नहीं होती? जी सर। है? होती है कि नहीं होती? जी सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। होती है ना? यस सर। मतलब यहाँ पर भी वही वो समझाने वाला काम, या फिर हम यहाँ माइक्रोस्कोप पे बैठ जाते हैं और आपको ज्ञान दिया करते हैं, वाली चीज तो नहीं होती? नहीं। तो ये हैंडसेट आप खुद बनाते हो कि हम बनाते हैं? खुद बनाते हैं। खुद बनाते हो? आप खुद बनाते हो ना? तो राजकुमार आप क्या बोल रहे थे कि क्या क्या आपने सेट में प्रॉब्लम क्या थी सबसे पहले ये बताइए? नो सर्विस आ रहा था, फिर नेटवर्क आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। नो सर्विस आने के बाद नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था और आ रहा था, जा रहा था। इसकी पूरी ट्रेसिंग कर ली, 1.8 4.4 वोल्ट वगैरह सब। बताओ जनता सुन लेगी, वही बिना ट्रेनिंग के सीख जाएगी, है ना? थोड़ा कुछ रहने दो हमारे लिए भी, है ना? तो कुल मिला के आपने इसको डायग्नोस किया, पूरा किया, आपने पाया गया कि हमारे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना? उसके बाद फिर क्या किया आपने आगे बताइए? ट्रेसिंग करके इसका 4G PFO चेंज किया नेटवर्क। 4G PFO का फॉल्ट था, आपने 4G PFO चेंज किया। तो राजकुमार कैसा लग रहा है काम करके? बहुत बढ़िया सर। फीलिंग कैसी आ रही है आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जी सर। तो अगर ये आपका MI का सेट था, अगर इसके अलावा कोई सा भी अगर सेट हो आपके पास, उसकी क्या नेटवर्क की थ्योरी अलग हो जाएगी क्या? नहीं सर, वही रहेगी। वही रहेगी। क्यों सर? 1,00,000 रुपए के फोन में भी आईफोन में भी सिम वही चलती है और हमारे एंड्रॉइड में भी सिम एक ही चलती है, है ना? तो अगर हमारा अगर 6,000 का सेट है तो उसका भी गणित वही है जो 25,000 के हैंडसेट का है। कुछ अलग अलग होता है क्या? नहीं सर, है ना? बेसिक फंडा हमको आ गया है,
वोल्टेज की रीडिंग आ गई है, कब हमको पावर से वोल्टेज मिलेंगे, मॉडम हमारा वोल्टेज कब रिलीज करेगा, ये सब हमको आ गया है, आ गया कि नहीं? अच्छा राजकुमार जी, आपने डायरेक्ट 4G IC पे काम किया? जी सर। ऐसा मतलब कैसे, मतलब आप डायरेक्ट 4G IC पे ही काम की? सर ने समझाया था, सर ने मतलब ऐसा कोई ट्रिक बताया आपको कि हाँ किस कंडीशन में आपको कौन से IC पे काम करना है? सर उसी हिसाब से, क्योंकि नेटवर्क IC तो हमारी 3-4 लगी होती है, लेकिन आपको किस पे काम करना है वो सर ने बताया, सर ने बताया उसी हिसाब से किया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मनमोहन फ्रॉम उड़ीसा। मनमोहन फ्रॉम उड़ीसा जी। मनमोहन, आज आपकी क्लास काई की थी? नेटवर्क की। नेटवर्किंग की क्लास थी, कितने घंटे चली आपकी क्लास? 6 घंटा। 6 घंटे नेटवर्किंग की क्लास चली, फिर उसके बाद फिर कहाँ आए आप? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, थोड़ी जनता को बताओ कि इस लेबोरेटरी में होता क्या है? इसमें मतलब जब बात करें अपन कंपोनेंट की क्लास से, पहले दिन की क्लास से, तो इस क्लास में होता क्या है, ये क्या महत्व है इस क्लास का? क्लास में जो हमें थ्योरी पढ़ने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिकल। सर वहाँ पर खाली थ्योरी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, मतलब खाली थ्योरी पढ़ाते हैं, बताते हैं, लाइगल भी लाइव चलते हैं, लाइव प्रैक्टिकल। आपको कोई भी चीज होती है एक बार बोर्ड पे समझाते हैं, बोर्ड पे समझाने के बाद टीवी पे समझाते हैं, टीवी पे समझाने के बाद आपको लाइव मोबाइल पे दिखाते हैं, है ना, और फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो हम उसको थ्योरी की क्लास बोलेंगे तो ये उसकी थोड़ी परिभाषा गलत होगी। तो वो क्या है, वो भी आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, समझ में हमको वहीं से आता है, वहाँ से आने के बाद हम यहाँ कर पाते हैं। तो इस क्लास का महत्व क्या है, थोड़ा सा जनता को बताइए, इस ये लैब जो दिख रहे हैं आप, ये जो इतनी बड़ी लैब देख रहे हैं आप, इस लैब का क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, घर चले जाओ, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या क्या महत्व, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? सर जो पढ़ते हैं ना उसको अपने हाथ से, जो भी काम सीखा है उसको अपने हाथ से करना है, तो ये लैब बहुत जरूरी है। ये सारा प्रैक्टिकल अपना यही होता है, क्योंकि जो पढ़ के आए हैं उसका करते हैं। तो मतलब ऐसी हर हर स्टूडेंट के पास इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, जो भी काम वो सीखता है वो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और वो यहाँ पर, तो यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से जो पढ़ाते हैं तो उसका काम हो जाता है ना सक्सेसफुली तरीके से, अगर आपके पास सेट है तो जी, है ना, अगर आप फॉल्टी सेट लेके आए हैं तो जी, है ना, अगर आप फॉल्टी सेट लेके आए, जैसे ये फॉल्टी सेट लेके आए थे, ये रिलेटेड था, नेटवर्क से रिलेटेड था, ठीक है, आपके पास फॉल्टी सेट था, आप वहाँ वो पढ़ के आए और वो चीज़ आपने क्या की, अब आपने आपने आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा बताइए विस्तार से। नो सर्विस की दिक्कत थी, नो सर्विस में क्या क्या आपने कैसे चेक किया उसको? मैंने डायग्नोस कैसे किया? डायग्नोस किया, उनके बाद वोल्टेज चेक किया, उसके बाद WTR चेंज किया तो हो गया। WTR चेंज किया, वोल्टेज चेक करने के बाद आपको WTR की दिक्कत लगी और WTR चेंज किया तो हो गया। भाई ये सच बोल रहे हैं? हाँ सर, ये क्लास है जी सर, यस सर, ये सच बोल रहे हैं? हाँ सर, है ना, कोई फेक चीज़ तो नहीं बता? नहीं सर, कोई फेक चीज़ तो नहीं है ना। देखा जाए तो आप WTR डायरेक्ट चेंज कर सकते थे, डायरेक्ट, पर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, पहले वोल्टेज ही क्यों चेक किया आपने? उसमें चाहिए सर जो पढ़ाए थे उसको, सर ने आपको बेसिक से बताया कि पहले वोल्टेज ही चेक करना चाहिए, ये तो तुक्के वाला काम हो जाता अगर डायरेक्ट आप WTR चेंज करते तो, होता कि नहीं होता? हाँ सर। चलिए, हमारे स्टूडेंट है मनमोहन, थोड़ी सी इनकी हिंदी थोड़ी सी वीक है, जो हमारे कन्वर्सेशंस होते हैं डायरेक्टली ये स्किल वाला काम होता है वो तो समझ लेते हैं, पर बाकी डायरेक्ट अगर हम उनसे सवाल जवाब करते हैं और उनको आंसर करने को बोलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और इसी के विपरीत हमारे ये हैं निहार, हसमुख है ना, काफ़ी हसमुख है, इनसे हर बात का जवाब मिलेगा इनका, इनके पास आपको जी हर चीज़ का जवाब मिलेगा। कैसी रही भाई निहार क्लास? सर बहुत बढ़िया लगा, और क्या बोले सर, आज तो जैसे देव सर ने हमें खजाना ही पकड़ा दिया। खजाना पकड़ा दिया? अच्छा खजाना बस इन्हीं को मिला कि आप लोगों को भी कुछ मिला? तुमको उधर चुपके से तो नहीं दिया था? नहीं, वो चुपके से ले आकर साइड में तो नहीं दिया था ना? नहीं, पूरी क्लास को दिया ना? हाँ। भाई भाई मिला कि नहीं मिला? नेटवर्क हल्का हुआ कि नहीं हुआ? हल्का हुआ नेटवर्क, मतलब एक जो हवा बना हुआ था कि नेटवर्क नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, अभी तुम्हारे सामने देख रहे 5 एंसर तुमने ही बना दिए यहाँ पे, तो बनता कि नहीं बनता नेटवर्क? हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से उसको चेक करेंगे कि जहाँ हमको GR मिलना चाहिए वहाँ GR मिलना चाहिए, जहाँ वोल्टेज मिलना चाहिए वोल्टेज मिलना चाहिए, और जहाँ हमको फॉल्टी IC हमको फाइंड आउट करना चाहिए तो हम अगर फाइंड आउट कर लिए इसके अंदर की हमारी फॉल्टी IC है, बिल्कुल बनेगा। अच्छा देखा जाए तो सारे आपका सारे सेट जो है मार्केट से घूमे हुए हैं, कई दुकानदारों से घूमे हुए सेट है। अच्छा, वो सब बन रहा है, यानी कि क्या लेवल का काम सिखा रहे हैं सर, तो जनता जान चुकी है। भैया आपसे सब में एक बार में पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर कोई अगर बच्चा आता पढ़ने तो आना चाहिए कि नहीं आना? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए आप। हाँ भाई
यहाँ अगर कोई बच्चा अगर कोई आता है वो मैं बात करूँ कि 10 साल की भी बात करूँ, अच्छा प्रेशर आता है तो उसके लिए क्या फ़ायदा है और 10 साल वाले को क्या फ़ायदा है? सभी को जो है यहाँ जो है ऐसा कह सकते हैं कि एशिया टेलीकॉम जो है एक ज्ञान का दरिया है, जो भी यहाँ डूब आएगा वो डूब कर जाएगा तो ज्ञान ही प्राप्त करके जाएगा। नहीं, अगर एक सपोज है कि फ्रेशर है, जैसे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ये फ्रेशर है, आगे जो आप इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैं घर पे रहता था। घर पे रहते थे, घर पे रहने के बाद मतलब तुम डायरेक्ट अगर 5 साल भी काम करते अगर मार्केट में घूम के या किसी की शॉप पे बैठ के काम करते तो इतनी जल्दी सारी वोल्टेज लाइनों का आइडिया और कंपोनेंट का आइडिया ये सब आप आता क्या आपको? सर पॉसिबल ही नहीं है, तो कहीं दुकान पे इतना सब जान जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद को उसको दुकानदार को नॉलेज नहीं होता, उसको खुद मालूम नहीं है तो वो दूसरे को क्या बताएगा। हाँ, उसको खुद मालूम नहीं है तो फिर वो आपको नहीं बता सकता, नहीं है ना। और उसके बाद अगर कोई फ्रेशर आता है, अगर फ्रेशर अगर यहाँ आना आता है तो उन्हें पहले 5 साल काम करना चाहिए कि सीधे आ जाना चाहिए? सीधे आ जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? 6 महीना प्रैक्टिस करना चाहिए, 6 महीने प्रैक्टिस। जी सर, आप ये अगर ये बंदा अगर 6 महीने अगर स्किल से ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस करेगा सारे टूल के साथ तो नहीं अच्छा टेक्नीशियन बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसा कोई देखेगा तो उसको उसको बोलेगा नहीं वो 1 साल सीखा है, उसको लगेगा वो 10 साल सीखा हुआ है उसका काम कर रहा है। वो सारे सपने लेके आए थे तुम अपनी आंखों में? जी सर। है ना, दिल में भी उमंग थी, सपने लेके आए थे। तो आज हमारी बेसिकली जो क्लासेस हो गई है 28 और 14 दिन की हमारी क्लास हो गई है। जी सर। है ना, 14 दिन में और 27 तारीख को आप आए थे, उसमें क्या फर्क है मेरे भाई बताओ? सर हम जितना उम्मीद लेके आए थे उससे बहुत ज्यादा मिल चुका है हमें। और सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जी सर। और जो भी क्लास बाकी है, जो भी डेज, उसमें क्या मिलेगा अब हमको तो नहीं पता, लेकिन जो उम्मीद लेके आया तो उससे ज़्यादा मिल चुका है हमें अभी तक। तो जो तुमने जो फीस डाली थी यहाँ, जो भी फीस थी, तो आपको वसूल होती दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ सर, उससे ज़्यादा वसूल होती दिख रही है। चलिए ठीक है। एवरीवन, नेटवर्क का किसी का भी कोई सेट पेंडिंग है क्या मेरे भाई? नहीं सर, वो तो अभी निकाल के दो मेरे को। नहीं नहीं सर, मार्केट में है सर, अब जब जाएंगे तो सब क्लियर। मार्केट में है, क्लियर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मार्केट में बहुत घूम रहा है, क्लियर हो जाएगा सारा। वन डे सॉल्यूशन होगा सर, बुला बुला के बनाना। वन डे सॉल्यूशन होगा अभी नेटवर्क का। सबसे ज्यादा किस नेटवर्क का ही है सर मार्केट में, वो रिपेयर नहीं होता है क्योंकि क्योंकि उनको क्या होता है कि जानकारी नहीं होती है ना। आपकी कौन सी बिना नॉलेज के सर नेटवर्क बना ही नहीं सकता कोई। बराबर है। अच्छा, क्या पता जो मार्केट में सेट घूम रहा है कोई उसका पीएफओ आईसी चेंज कर दिया हो, उस नंबर की जगह पे दूसरा नंबर का पीएफओ लगा दिया हो। समझ जाएगा सर, तो सर ने उसका ट्रिक बताया कि कैसा लगा ये सर का ट्रिक? इसके पहले आप लोग जानते थे इसके बारे में? वो तो बस WTR चेंज करना जानते थे, उसी पर निर्भर था सब। चलिए, कोई सी ऐसी रिवॉल्व करते नहीं आया, बाकी WTR कर लेते थे। चलिए ठीक है, विश यू गुड लक। थैंक यू देव सर। दीपक सर, नेटवर्क सिस्टम है आपने ये जो बनाया है, ये ट्रेस करके बनाया आपने? हाँ सर। एंटीना, ये सारी चीज़ें, फिर अपने मेन सब बोर्ड, हाँ ये जो आपने बनाया हुआ है, ये सारा PFO, 2G PFO आउटपुट, ये सब चीज़ जो आपने बनाया हुआ है ट्रैक, ये आपने चेक करके बनाया है कैसे? हाँ बना दिया है ट्रैक चेक करके। समझ में आई क्लास आपको? हाँ सारी चीज़ें कैसी रही नेटवर्क सिस्टम क्लास? समझ में आई सब कुछ? मालूम नहीं सर पहले सर, अच्छा बहुत कुछ मालूम चल गया सर नेटवर्क सिस्टम में सर। तो अब ये जो सॉकेट बनाया, एंटीना सॉकेट आपने बनाया है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे आप? हाँ चेक कर लेंगे सर। चलिए, क्या कर रहे हैं आप? सर हम WTR IC का वो WTR IC का डाटा सेट बना रहे हैं। जी सर। तो हमें WTR चेंज कब करना है ये आपको पता है कि नहीं पता है? कि ऐसा ही नेटवर्क सेक्शन आया आप WTR चेंज कर देंगे? नहीं सर, जो वोल्टेज चेक करेंगे पहले वो सारी चीज़ें सब सर कुछ बताया गया है, लिस्ट क्या होता है, कब हमें चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। चलिए ठीक है, बनाइए डाटा सेट। आप क्या कर रहे हैं सर? WTR IC को चेक कर रहा हूँ। WTR IC में वोल्टेज चेक कर रहे हैं? वोल्टेज चेक। ओके चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हैं?
डाटा सेट रेडी कर रहे हैं। किसका डाटा सेट रेडी कर रहे हैं? WTR का। WTR का डाटा सेट थोड़ा गोले से ही बनाते हैं, उसको स्क्रॉल कर लेते तो अच्छा। वो नीचे कर देंगे सर, वो लिखने में प्रॉब्लम होने से बना। अच्छा अच्छा, तो ये समझ के आ रहा है क्या? समझ के लिख रहे हैं कितना वोल्टेज उसके आसपास आना चाहिए, पता है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका डाटा सीट बना रहे हैं। डाटा सीट बना रहे हैं, ये जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर। कितना वोल्टेज कहाँ पे आना चाहिए? अगर GR हमारे मिसिंग हो जाए, ट्रैक ओपन हो जाएगा तो भी हमारा काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? डाटा सीट बना रहे हैं WTR का। WTR का डाटा सीट, तो डाटा सीट हमें यह बताइए आपकी WTR हमें कब चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, उसका रीज़न पता है? दो वोल्टेज आते सर, वो चेक करना जरूरी, वो चेक करना जरूरी है, और हमें चेंज कब करना है वो सारी चीज़ें। पर वोल्टेज नहीं आया तो WTR का प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। MSI का डायग्राम बना सर, WTR का डाटा शीट बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? सर WTR का डाटा शीट बना रहे सर। WTR PF है कि RF है? RF है। PFO है कि RF है? चलिए ठीक है, करिए। आप क्या कर रहे हो सर? 5A का WTR का डाटा। क्यों बना रहे GR आप ऐसे? क्योंकि अगर CPU से सिग्नल हमारी ट्रैक मिस हो जाएगी तो भी हमारा कितना भी WTR चेंज करेंगे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ये आप क्या बना रहे हैं? जियो का WTR। अच्छा, जियो का है कि WTR सब में नंबर से आता है कि जियो से मतलब है? नहीं, जियो से मतलब नहीं है सर। okay, इसका okay. नंबर होता है ये जियो। हाँ, तो ये आपका एंड्रॉयड में भी लगा सकता है, कीपैड में भी लगा सकता है, अकॉर्डिंग टू CPU। ओके, तो आपने जो बना रहे हैं ये बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि जो भी ट्रैक वगैरह है अगर ये हमारे पास रहता है तो कभी भी कभी बस देख करके एक बार हम देखेंगे, इसका नंबर देखेंगे। इसका नंबर क्या है WTR का? 2965 सर। लिखा नहीं है 8965 2965। ओके ओके, चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए। अभी 2965 का डाटा सीट बना रहे हैं? 2965। ओके, तो देखिए ये जैसे 2965 आप अभी कर रहे हैं 5A में, अभी वहाँ पे जियो में भी कर रहे हैं, तो दोनों का अलग है क्या? नहीं है, दोनों लग जाएगा। लग जाएगा। ओके, क्या कर रहे हो आप अभी? जी सर, वो WTR 2965 का डाटा सीट बनाया। ओके, अभी वोल्टेज चेक कर रहे हैं कहाँ पे, कितना वोल्टेज आना चाहिए? ये WTR के पास में एक 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए और एक 1 वोल्ट मिलना चाहिए। ये सब नॉलेज दिया गया है आपको? जी सर। तो अभी आप ट्रेस कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहे हैं? जी सर। ओके, हमारा ये कैपेसिटर पर 1.8 वोल्ट और यहाँ पर 1 वोल्ट मिल रहा है। चलिए ठीक है, करिए। आप क्या कर रहे हैं? WTR को अभी चेक कर रहा हूँ निकल के। ओके, उसका जो डाटा सेट बना रहा हूँ। ओके, कैसी रही नेटवर्क सेशन क्लास आज? बहुत अच्छा, समझ में आई सारी चीज़ें? ऐसा नहीं कि केवल कॉलकॉम बताया हो, सारा सर्किट जो नेटवर्क से रिलेटेड है सभी सभी बना पाएंगे? जी सर। आप क्या कर रहे हैं? रेडमी 5A का WTR डाटा सीट बना रहे हैं अभी सर। डाटा सीट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कुछ रीज़न बताएंगे कि हम डाटा सेट क्यों बना रहे हैं, ये इसकी GR नोट क्यों कर रहे हैं? सर हमें फिर एक बार का हमने बना लिया तो हमें कई कभी भी मान लीजिए बार बार WTR चेंज कर रहे हो, अगर ट्रैक मिस हो जाएगी तो हमारा काम करेगा क्या? तो ये जो आप नोट कर रहे हैं ये CPU का है, अगर ये अगर वहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी तो हमें वहाँ से काम करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं? खाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अच्छा, WTR हम क्यों चेंज करते हैं ये अभी रीज़न पता है? कैसे नहीं कि नेटवर्क नहीं आया तो सीधा WTR उठाया और चेंज कर दिया? चेक करना होता है, डायग्नोस करना होता है उसके बाद। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए। आप क्या कर रहे हैं? डाटा सीट बना रहे हैं। डाटा सीट बना रहे हैं जी सर। नेटवर्क सिस्टम समझ में आई? जी सर। ओके चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं अभी? सर मैंने नेटिंग नेटवर्क के लिए सेट निकाला था, वो अलग से डेट था। ओके, अच्छा अभी IC रिवॉल्व कर रहे हैं, WTR रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं, दूसरे IC सर। अच्छा दूसरे। आप क्या कर रहे हैं? सर नेटवर्क बना रहा हूँ 4A का। 4A का क्या क्या कर दिया बताइए? 1.8 नहीं आ रहा है। हाँ, उसको आप डायग्नोज कर रहे हैं? हाँ सर। इसका डाटा सीट भी बनाइए, फिर जब हो जाए तो बताइएगा अभी ठीक लाइव वीडियो में। ठीक, क्या कर रहे हैं आप?
सर मैं 5A का WTR उतार के उसके सारे जो भी चेक उसके वोल्टेज चेक किया आपने? हाँ जी सर, वोल्टेज कर रहा हूँ, तो बाकी मेरा जो भी इसका सकल मैंने रेडी किया डाटा शीट का, तो 2965 का। ओके, तो ये आपने अब एक बार मेहनत कर दी है, 2965 आएगा तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं सर, नहीं। कैसी रही नेटवर्क सिस्टम की क्लास? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बाकी मेहनत करेंगे तो आगे हो जाएगा। अभी समझ में आई सारी चीज़? हाँ जी सर। आप क्या कर रहे हैं? WTR का सारा रीडिंग निकाल रहे हैं, डाटा शीट बना रहे हैं। जी, डाटा शीट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है सर। जरूरी है, जरूरी मीन्स ये हुआ कि हम डाटा अगर हम WTR चेंज किए जा रहे हैं, अगर पैड में GR नहीं आ रहा है तो वो काम करेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। चलिए ठीक है, भाई एक बार बना दिया तो दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, और कभी नहीं। चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने MI Note 3 की जो है WTR निकाल के 2955 है। हाँ जी सर। ओके, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? जी सर। चलिए ठीक है, ट्रेसिंग करिए। आप क्या कर रहे हैं? डाटा सेट बना दिया 2965 का। तो ये डाटा सेट आज नेटवर्क सेशन क्लास समझ में आई? कैसा रहा सर का पढ़ाने का तरीका? बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है ये डाटा सेट किसके पास हमें कितना वोल्टेज चेक करना है वो सारी चीज़ें पता है आपको? जी सर। चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं आप? सर WTR का डाटा शीट बना रहे हैं। डाटा शीट बना रहे हैं, उसके बाद आप वोल्टेज भी चेक करिए कि वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि? वोल्टेज भी चेक करेंगे अभी ऑन करके लगाओ। ओके, आप क्या कर रहे हैं? WTR रिबॉलिंग कर रहे हैं। रिबॉलिंग कर रहे हैं, डाटा शीट बना लिया, दिखाइए। चलिए, इसको लगाने के बाद वोल्टेज चेक करिए, ठीक है, कि वोल्टेज हमारे बन रहे हैं कि नहीं। आपने क्या किया? बन गया सर। बन गया है, लगा रहे उसको? हाँ सर। लगाने के बाद वोल्टेज चेक करिए। और कैसी रही नेटवर्क सेशन क्लास? अच्छी सर। समझ में आई सारी चीज़ें? आप क्या कर रहे हैं? सर जियो की WTR निकाल के। WTR निकाल के? क्या जियो और स्मार्टफोन का WTR अलग है क्या? नहीं सर, नंबर वाइज है। अगर 2965 लगी है तो वो ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? सर WTR का डाटा शीट बना रहे हैं सर। डाटा शीट बना रहे हैं, उसके बाद वोल्टेज चेक करिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहा हूँ सर। ट्रेसिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं डाटा शीट। ओके, चलिए ठीक है। तो गाइज ये हमारी आज नेटवर्क सेशन की क्लास थी, जो कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, डाटा सीट बना रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। ऐसे ही नेक्स्ट डे बाय डे आप देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसा रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताओ? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।